उज्जैन में मुस्लिम समुदाय के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने के तथाकथित वीडियो पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, यहां बीजेपी की सरकार है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के वीडियो की जांच करवाने वाले ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब भी ऐसी सांप्रदायिक घटना होगी वहां दिग्विजय सिंह ही सामने आएंगे। विश्व ने कभी काजी साहब जिंदाबाद का नारा नहीं सुना, ये सिर्फ दिग्विजय सिंह को ही सुनाई देता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह उज्जैन में पाकिस्तान के नारे लगाने वालों को लेकर पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं, जो मदद चाहिए होगी मैं उनमें करूंगा। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें काजी साहब जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए। उन्होंने कहा ऐसे राष्ट्र विरोधी सोच वालों को ऐसे ही कुचला जाएगा, जांच हो चुकी है, अब कोई जांच नहीं होगी। नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में चूड़ी बेच रहे युवक के साथ हुई घटना पर कहा कि यह व्यक्ति नाम और जाति छुपाकर चूड़ियां बेच रहा था, दो आधार कार्ड देखने के बाद सब मामला सामने आ गया। भ्रम के कारण इंदौर की घटना हुई है, दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि आजादी की कांग्रेस अलग थी, ये कांग्रेस अलग है, इसका नाम ही ई कांग्रेस है। गृह विभाग की रिपोर्ट यह है कि वो चूड़ी बेचता था, चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से, आधार कार्ड भी इसी तरह के दो मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है, वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। व्यक्ति बात कर रहा है, उसकी तो जांच हो चुकी है, उसमें क्या जांच होना, कोई जांच की आवश्यकता उसमें नहीं। ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग, ऐसे तालिबानी सोच के लोगों को तो ऐसे ही कुचला जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई कह दे कि लैंडलाइन का अस्तित्व मोबाइल से पहले का था, ये कोई बात हुई क्या? कांग्रेस, वो कांग्रेस अलग थी, वो आजादी की कांग्रेस थी, ये एक परिवार की कांग्रेस है, इसका नाम ही इंदिरा कांग्रेस है। कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना प्रदेश में नियंत्रण में है, आज मध्य प्रदेश में कुल 3 प्रकरण आए हैं, 5 लोग ठीक होकर घर गए हैं, अब 106 एक्टिव केस बचे हैं, संक्रमण दर कम है, रिकवरी दर अच्छा है, कोविड की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सीमावर्ती प्रांत महाराष्ट्र केरल, इसका हमने कोई प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 3 प्रकरण कोरोना के आए हैं, 5 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 106 एक्टिव केस कोविड के कुल बचे हैं। इसी तरह सुधार रहा तो उम्मीद करते हैं कि ये 106 भी घटके अब 2 अंकों पे आ जाएंगे। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।